नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं? क्या आप जानते हैं सर्दियों में ब्लड प्रेशर साल के अन्य समय से बढ़ा हुआ रहता है? आपने अक्सर सुना होगा, कई बार रात को सोने के बाद कोई व्यक्ति नहीं उठ पाया और उसका निधन नींद में ही हो गया। तो चलिए, इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है, आने वाले चंद मिनटों में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, पर इससे पहले कि हम सर्दियों के विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं, स्वास्थ्य के लिए चुनौतियों और इसके परिणामों, और सर्दियों के ब्लूज को कैसे हराया जाए इसके बारे में बात करें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग साक्ष्य आधारित प्रामाणिक स्वास्थ्य समाचार के लिए हमारी वेबसाइट www.drugtodayonline.com पर लॉग इन करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि विदित है, सर्दियों का आना एक सुखद एहसास होता है। इस मौसम में लोग घूमने से लेकर काफी मात्रा में खाना भी खाते हैं। इस मौसम में खाने की चीजें बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु हम सब कई महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, जैसा कि हमें कब, कैसे, कितना और क्या खाना चाहिए। सर्दियों में एक तरफ हमारा आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती है, तो दूसरी तरफ हमारा खाने का इंटेक भी बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा संवाददाता रोहित सिसोदिया ने देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद पांडे से बातचीत की, जो दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट भी है। डॉक्टर आनंद ने सर्दियों में होने वाली बीमारियां और उनसे कैसे बचा जाए जैसी विषयों पर अपने सलाह दी। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, हम कम निकलते हैं, पोल्यूशन भी एक रीजन होता है, विंटर में भी लोग कम निकलते हैं। खाना पीना थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर विंटर में देखें तो खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ा खाना पीना ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्लस स्वेटिंग नहीं होती, तो लॉस ऑफ स्वेट से क्या होता है, बीपी और बढ़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोन करती हैं, जिसका बीपी नॉर्मल है, सपोज़ किसी का 110/70 है, तो वो बढ़ के अपने आप 130/80/90 हो सकता है। लेकिन जो माइल्ड हाइपरटेंसिव 140/90 भी मेंटेन चल रहा है, तो 160/70, 190/100 हो जाएगा। जो मॉडरेट हाइपरटेंसिव होते हैं, तो उनका काफ़ी बढ़ जाता है। इसे विंटर्स के पहले हम लोग फॉलोअप जरूर शेड्यूल करते हैं, ताकि दवाइयों को एडजस्ट करें और विंटर से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकने की कोशिश करें। इसी का नतीजा कि हार्ट अटैक वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, वेट बढ़ा आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका, और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो वी गेट मोर पेशेंट ड्यूरिंग विंटर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। तो बहुत ज़रूरी है विंटर आने के पहले थोड़ा सा एक डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर पांडे ने बताया कि सर्दियों में हमारी खून की धमनियां सिकुड़ जाती है, जिसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। विंटर्स में क्या होता है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। उसका रीज़न है कि एक तो नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है, जो नसें होती हैं, वो सिकुड़ती हैं थोड़ी सी बिकॉज ऑफ विंटर्स, तो उससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर खासकर काफ़ी बढ़ता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। कोमॉर्बिड कंडीशंस काफ़ी कॉमन है। इंडिया में करीब 15-25% हाइपरटेंसिव हैं, 12-13% डायबिटिक्स हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल को देखें तो इंडिया में लिपिड प्रोफाइल बहुत ख़राब लोगों का है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत है, लैक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनटेक बिल्कुल, हमारा डाइट क्या दिनचर्या है बिल्कुल ख़राब है, समय फॉल्टी लाइफस्टाइल अगर आप देखें जी रहे हैं, हम सोते कम हैं और हम एक एक्सरसाइज के नाम पे वी आर टोटली सिटिंग आइडली, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे पेशेंट में खासकर जो कैंसर पेशेंट्स है या हार्ट डिजीज़ है, जिनका बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी है, और उनके हार्ट फंक्शंस कम है, या नॉन एस्थमेटिक हैं, या COPD पेशेंट्स हैं, उनके लिए कोल्ड बहुत ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक की जगह ना कार्डियोवैस्कुलर, जहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, खाने को कंट्रोल करें, वेट को ना बढ़ने दें, अपने लिपिड शुगर को कंट्रोल रखें, एक रेगुलर, जितना भी आप बाहर नहीं जा सकते घर के अंदर एग्जर्ट करिए, बैठिए मत आप, अगर आप बैठे रहेंगे तो आप बीमार होंगे। तो ये सारे प्रिकॉशन लेंगे आप तो मेरे हिसाब से यू विल लीड अ गुड हेल्दी लाइफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूले। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे हमें सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज बस इतना ही, जल्द ही हम आपसे एक नई रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।